किसान अपनी फसल का बीमा करवाते हैं, बीमा प्रीमियम भरते हैं, उसकी जो खरीफ की फसल की डेट होती है 31 जुलाई होती है, 31 जुलाई को किसान के खाते से पूरे हरियाणा के बैंकों के जो उसकी लिमिट थी जिसमें केसीसी अकाउंट थे उसमें से उसका प्रीमियम कट गया था। लेकिन कल से एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें क्लस्टर 2 का जो है वो बीमा प्रीमियम है, जो बैंक को आदेश किए हैं सरकार ने, हरियाणा सरकार ने भी, वो बीमा प्रीमियम किसान को खाते में वापस डाल दिया जाए। अब बीमा कंपनी है जो वो बीमा नहीं करेगी। ये सरकार और बीमा कंपनी की मिली भुगत से ये किसान के साथ धोखा हुआ है। जब किसान ने 31 जुलाई से अपना प्रीमियम कटवा दिया तो आज जो है 11 तारीख है, 11 सितंबर हो गई है, इतने समय बाद अब किसान को उसका प्रीमियम वापस किया जा रहा है, क्योंकि पता है गुलाबी सुंडी की मार में है जो पूरे का पूरा नरमा है, तो उसमें भी बीमा कंपनी को पैसे ना देने पड़े। बीमा कंपनी कौन है? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, जो कि खुद भी एक सरकारी कंपनी है, केंद्र सरकार की कंपनी है। तो ये किसान के साथ धोखा हुआ है। लेकिन उसमें सभी किसान साथियों को बताना चाहते हैं भी, ये जो कंपनी है ये हमारे हरियाणा में तीन क्लस्टरों में बांटा गया है, 22 जिलों को 3 क्लस्टरों में बांटा गया है। एक पहला क्लस्टर है जो उसका प्रीमियम जो गया है वो सही है, जो तीसरा क्लस्टर है वो उसका भी सही है। पहले क्लस्टर में जो है वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी करती है, और तीसरा क्लस्टर है जो केसमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास है। जो दूसरा क्लस्टर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के पास था वो अपना बीमा करने से भाग गई है और सरकार से मिलकर किसानों को जो प्रीमियम दिया था उसको वापस कर रही है। उसमें जो जिले थे, आप साथी बार बार फोन करके भी पूछ रहे हैं भी हमारा बीमा प्रीमियम क्या होगा, सिरसा में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो जिले थे जो क्लस्टर के पैसे वापस आने हैं उसमें अम्बाला, हिसार, गुड़गांव, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और सोनीपत। फिर से सुन लिए, जिन किसानों के जो बीमा प्रीमियम कटा था वो वापस आना है, उसमें से 7 जिले हैं, उन 7 जिलों के नाम हैं अम्बाला, हिसार, गुड़गांव, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और सोनीपत। ये 7 जिलों के जो पैसे किसानों के काटे थे वो वापस उनके खातों में आ जाएंगे। उनका बीमा कंपनी वहाँ से भाग गई है, बीमा जो है करने में उसने असमर्थता जताई है। ये बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत किसानों के साथ धोखा किया गया है, क्योंकि फसल का हालात बीमा कंपनी को पता चल गया है, फसल अच्छी नहीं है, बीमा क्लेम देना पड़ेगा। तो ये एक सरकार की तरफ से और बीमा कंपनी की तरफ से किसानों को जो नया एक लूट का फरमान जारी किया है उसकी हम पुरजोर शब्दों में निंदा करते हैं, और सरकार से अपील करते हैं भी उसको बीमा कंपनी को दोबारा से करके, और जितना किसान का बीमा प्रीमियम कटा है उसका बीमा क्लेम उसको मिलना चाहिए। सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू, कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ, कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारी के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही करियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, 9992571111, 8929551111।